नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर अरविंद यादव है। मैं यहाँ पे आप लोगों को रेलवे सीबीटी 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट लेके आया हूँ। और मैं यहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक सारे कराऊंगा जो आपके सीबीटी 2 रेलवे इंडियन रेलवे में आएंगे। और उसकी जो डेट अभी हमारी बढ़ गई है 21, 22, 23 जनवरी की हो गई, और उसके जो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा वो 20 दिसंबर को उन्होंने बताया है कि आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्टिंग से लेकर चल रहा हूँ। तो पहला ही चैप्टर मैंने लिया आपको, इसमें पहली टॉपिक हमने लिया है कि हमारी फंडामेंटल्स यूनिट्स क्या होती हैं, जो हमारी मूल राशियां क्या होती हैं, उनसे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें आपको कह देगा कि बीमा फाइंड आउट करिए या इनके मात्रक बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर एक दो एग्जाम में आपको मतलब क्वेश्चन आपको। तो मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मूल राशियां क्या होती हैं। टोटल हमारे पास मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती है हमारे पास। कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं। और बाकी जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? इनसे डिराइव्ड होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे जिक्र करूंगा कि जो हमारी 7 मूल राशियां वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारी मूल राशि क्या है? लंबाई। लंबाई लंबाई को हम किसमें मापते हैं? मीटर में। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? लंबाई का मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? मीटर हो गया। अगर मैं बात करूं कि दूरी का मात्रक क्या होगा, तो दूरी भी एक तरह से लंबाई है, तो उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा मीटर ही हो जाएगा। और इसकी जो बीमा है वो क्या है? हमारी यल है। बीमा इसकी क्या है? यल है। अगर आपका एग्जाम में पूछ देता है कि दूरी की बीमा क्या है, तब भी वो क्या होगी? दूरी भी एक लंबाई, उसकी भी बीमा हमारी क्या होगी? यल होगी। अब दूसरा हमारा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा किलोग्राम। एक चीज मैं और बता दूं, ये जो मैं मात्रक बता रहा हूं आपको एसआई सिस्टम के साथ में मात्रक है, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम भी कई होते हैं, एमकेएस सिस्टम होते हैं, सीजीएस सिस्टम होता है, फुट पॉइंट सिस्टम होता है, तो ये सारे हमारे किस में है? एमकेएस सिस्टम में है। तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। और इसकी जो बीमा हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी? यम हो जाएगी। अभी हाल में ही न्यूज में आया हुआ था कि जो ये हमारा किलोग्राम था, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अब चेंज हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज हमें नहीं फील होगा, क्योंकि अगर एक किलोग्राम चावल जैसे लेते हैं उसमें से एक चावल का तिनका निकल जाए तो उसके बराबर हो गया। तो हो सकता है आने वाले कमिंग टाइम में इसकी डिफिनेशन जो पहले थी वो चेंज हो सकती है, हमारे जो किलोग्राम की डिफिनेशन थी। इसका भी मात्रक यहाँ पे, इसकी जो बीमा है हमारी ये क्या है? यम है। दूसरा हमारा क्या? थर्ड नंबर पे हमारा आता है टाइम, समय। समय को किसमें मेजर करते हैं? हम सेकंड में मेजर करते हैं। और इसकी बीमा हमारी क्या आती है? टी आती है। सब में हम इन्हीं यम एल टी जो हमारे पहले थी, जो मूल राशियां वाली 3 थी, बाद में जुड़ के 4 और जुड़ के टोटल क्या हो गई? 7 हो गई। लेकिन स्टार्टिंग में हमारी मात्र अगर मूल राशियां कितनी थी? 3 थी। ये जो हमारी लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, और ये टाइम हो गया। तो जितनी भी हमारी फंडामेंटल, जिसने भी हमारे वो आपको बीमा निकालोगे आप, या एल टी के फॉर्म में ही निकलेगी, उनको मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? विद्युत धारा, करंट। करंट का किसमें मापते हैं? हम एम्पियर में मापते हैं। और इसकी जो बीमा होती है हमारी क्या होती है? आई होती है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट हमारा क्या है? ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में। इसको किससे डिनोट करते हैं? के से। उसके बाद क्या है? पदार्थ की मात्रा, उसका क्या है हमारा मात्रक? मोल। मोल में इसको, और यहां मोल से हम यहां पे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारी है ज्योति तीव्रता। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? क्या होता है यहां पे? कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं। ये आपको पदार्थ की मात्रा मोल, और ये ज्योति तीव्रता इसका क्या होता है? कैंडला। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? हमारा कैंडला होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा कि बीमा कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। किसी चीज की बीमा पूछ देता है, जैसे हमारा क्या है? बल। आपसे पूछ दे कि बल की बीमा क्या होती है, तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये क्या है यहाँ पे हमारा क्या है? मास है। मास मतलब द्रव्यमान, एक्सीलरेशन मतलब क्या हो गया? त्वरण हो गया। तो हमें अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान को लिए क्या हमने बताया था यहाँ पे आपको?
बीमा इसकी क्या बताया था, यम बताया था मैंने आपको, बीमा क्या होगी द्रव्यमान की हमारी यम होगी। अब यहां पे बात आ गई त्वरण की, त्वरण तो एज फैक्टर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन की समय दर को, मतलब डीबी अपॉन डीटी, डीबी अपॉन डीटी वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। या फिर अगर हम इसका बेसिक और निकालें तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, वेग क्या होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड वेग की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी क्या है डिस्टेंस है, तो उसको मीटर किसमें मीटर में मेजर करेंगे और टाइम को किसमें करेंगे सेकेंड में। अब अगर हम इसकी जगह पे रखते हैं तो यहां से आप देखिए यहां पे क्या है टाइम है, तो इसके लिए भी सेकेंड होगा, इसके लिए भी सेकेंड होगा, और डीवी की जगह पे क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू ये वाला सेकेंड, तो निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की जो हमारी यूनिट है यहां पे क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं इनकी यूनिट ही रख लेते हैं, इनका मात्रक ही रख लेते हैं। तो यहां द्रव्यमान का क्या हो जाएगा हमारा किलोग्राम है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी बीमा क्या हो जाएगी यह हो जाएगी किलोग्राम, इसके लिए क्या हो गया किलोग्राम, और इसके लिए क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। असल रिलेशन की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनकी जगह पे इनके आप बीमा रख दो, आप किलोग्राम को एम से डिनोट कर दिया आपने, मीटर है यहाँ पे यल कर दिया आपने, नीचे हमारा क्या है समय के लिए मैंने आपको बताया था टी होता है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो टी स्क्वायर है। अब इसको क्या करेंगे टूटी है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो एम तो ऐसे रहेगा यल हो जाएगा, ये टी है प्लस में ऊपर जाएंगे क्या होगा माइनस में हो जाएगा टी की पावर माइनस टू। तो ये हमारी फोर्स की बीमा निकल के बल की बीमा निकल के आ गई क्या एम एल टी माइनस टू। तो आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि फोर्स की बीमा क्या होती है, तो हमें कुछ चीजें बेसिक है उनकी बीमा बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए, ताकि कोई बड़ी बीमा आती तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने इतनी कैलकुलेशन की, और नहीं तो हम सीधे क्या करते हैं यहाँ पे इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट एम एल टी माइनस। तो वो आपको बेसिक बताने के लिए मैंने बताया कि कैसे आप करोगे। दूसरा मैंने जैसे आपको बताऊं, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपसे पूछता हूं कि दाब की बीमा क्या होगी, दाब की बीमा आप फाइंड आउट करिए। तो दाब में प्रेशर, प्रेशर क्या होता है एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का अभी जैसे हमने आपको बताया कि हमें बार बार उसको नहीं निकालना उतना जाके, हमें सीधे इसकी पता होनी चाहिए एम एल टी माइनस टू, यहां से आपने तुरंत रख दिया एम एल टी माइनस टू। और एरिया, एरिया का लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो मतलब लंबाई भी मीटर में मापी जाएगी और चौड़ाई भी किसमें मापी जाएगी मीटर में मापी जाएगी, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा यहां से। अब सीधे आप देखिए यहाँ एम करिए, अब ये एल स्क्वायर है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो आपको समझाने के लिए बताया कि एल की पावर वन और इसकी पावर माइनस टू और टी की पावर माइनस टू। अब आप देखेंगे कि ये जो माइनस है यहां से इसको क्या है प्लस के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। ये हमारी जो प्रेशर है दाब है उसकी बीमा हो जाएगी यहां से। तो हमें ये जैसे मैंने अभी फोर्स का बताया कि हमें उसको बार बार नहीं निकालना है, सीधे याद रखना है कि एम की माइनस टू होगा, इसका क्या होगा एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पृष्ठ तनाव, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, पानी तैना पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है। तो पृष्ठ तनाव को हम टी से सरफेस टेंशन होता है, इसको टी से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन, टी इक्वल टू क्या होता है एफ बाई एल, यहाँ एफ क्या है फोर्स है, ये क्या हमारी है लंबाई है लेंथ है, तो फोर्स की भी आपको बीमा पता है एम एल टी माइनस टू, और यहां से क्या एक एक लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या होती है हमारी एल होती है, टी से एल से ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो एम एल की पावर जीरो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर टी की पावर माइनस टू इतना भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको कर सकते हैं एम टी की पावर माइनस टू, ये हमारी किसकी बीमा हो जाएगी पृष्ठ तनाव की। तो एग्जाम में कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी दिखेगा कि एम एल की पावर जीरो टी की पावर माइनस टू, या फिर आपको एम टी की पावर माइनस टू, तो दोनों तरीके से आपको एग्जाम में दिख सकता है।
तो जो भी आपको है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी संख्या के पावर अगर आप जीरो लगा दोगे तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी और मल्टीपल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। तो इस तरह से आप किसी भी की बीमा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कि क्या आपका अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो मुझसे आप क्वेरीज करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, या उससे रिलेटेड अगर ज्यादा क्वेरीज आती है तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। थैंक यू।